अब आप गीता पढ़ रहे हैं, वहां डिस्क्रिमिनेटिंग के चार एरियाज बताए हैं। कितने? चार। कौन कौन से? पहला, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। कहां इन्वॉल्व होना चाहिए और कहां इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सी। दूसरा, कार्यम च अकार्यम च, क्या करें और क्या न करें। थर्ड, भयम च अभयम च, किससे डरो और किससे न डरो। कितने एरिया हो गए? फिर से रिपीट कीजिए, फिर से रिपीट। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्यम च अकार्यम च, भयम च अभयम च, बंधम च मोक्षम च। कहां जाने से तुम बंधन में पड़ जाओगे और कहां जाने से तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, ये विवेक होना चाहिए।